वालेकुम टू एवरी वन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ नए जॉब्स के बारे में। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा जेके एसएसबी की तरफ से, जेके पीएससी की तरफ से जितनी भी नई रिक्रूटमेंट्स आने वाली है उनके रिगार्डिंग एक गुड अपडेट आ रही है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि जेएंडके में इलेक्शन होने के बाद जो सरकार आई है उसके बाद यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है। इसके अलावा जो पोस्ट वैकेंट थे उनके लिए अब रिक्रूटमेंट्स आ रही है। डिपार्टमेंट में कौन से नए पोस्ट आ रहे हैं, कब रिक्रूटमेंट आ जाएगी, इसी तरीके से हम बात करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लास फोर्थ पोस्ट का भी वेट कर रहे हैं, तो वो रिक्रूटमेंट कब तक आपको देखने को मिल जाएगी, 10th 12th पास कौन से पोस्ट होंगे, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए कौन से पोस्ट होंगे, आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम हर एक डिपार्टमेंट के पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले अगर हम नायब तहसीलदार की बात करेंगे या पटवारी पोस्ट की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग 56 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट बताए जा रहे हैं जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट विद इन डेज आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लगभग एक वीक के अंदर या दो वीक्स के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी पटवारी और नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए। इसके लिए उर्दू लैंग्वेज अब कंपलसरी कर दी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी उर्दू लैंग्वेज चेक की जाएगी। तो यहाँ पे नायब तहसीलदार और पटवारी पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे तो उनके लिए अपडेट ये है कि विद इन डेज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, आप फिर ईजिली इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेई सिविल के लिए पोस्ट एडवर्टाइज किए जाएंगे, इसी तरीके से जेई इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अगर हम सिविल की बात करेंगे तो 306 पोस्ट कन्फर्म हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे 92 पोस्ट कन्फर्म हो गए हैं। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नवंबर में कंफर्म आपकी इनके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप इजीली फिर इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए आपका बीटेक होना कंपलसरी है, इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना कंपलसरी है। तो इजीली आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल बन जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ये रिक्रूटमेंट है ये नवंबर मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम एसआई पोस्ट की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाली जाएगी लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे इस साल मुझे नहीं लगता ये रिक्रूटमेंट आ जाएगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ आप रख सकते हो, ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहा जा रहा है कि 500 पोस्ट वैकेंट हैं लेकिन इस साल इसके चांसेस नहीं है आने के, बाकी देखे जाएगा। लेकिन यहाँ पे 90% चांस हैं कि इसके लिए रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम हिलाट डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ हिलाट डिपार्टमेंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट भी बहुत सारे वैकेंट हैं जिसमें आपको 7000 से ज़्यादा पोस्ट कन्फर्म अभी वैकेंट है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन है वो जेकेएसएसबी के पास अभी नहीं पहुंची है कि कितनी वैकेंसीज़ टोटल हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि सिक्किम्स सोरा की तरफ से एक प्रेस नोट निकाला गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ वैकेंट है। इस तरीके से बहुत सारे जीएमसीज़ में भी पोस्ट बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं लेकिन यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं आ रही थी क्योंकि जेएंडके में सरकार नहीं थी, अब सरकार बन गई है तो इस पर देखा जाएगा और जो वैकेंसीज़ है ये जल्दी फुलफिल की जाएंगी। और मैं आपको बता देता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है वो विद इन 3 मंथ्स कन्फर्म आ जाएंगे क्योंकि उस टाइम भी बोला गया था विद इन 6 मंथ्स, तब से लेकर अभी तक लगभग 2-3 महीने हो गए हैं। अब अगर हम और 2-3 महीने देखेंगे तो कन्फर्म आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी जेकेएसएसबी की तरफ से और जो पोस्ट है वैकेंट पोस्ट उनको कन्फर्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके लिए रिक्रूटमेंट फ्रेम की जाएगी, हर एक डिपार्टमेंट में पोस्ट आएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पोस्ट रहेंगे तो इसके लिए आप वेट कर सकते हो, कन्फर्म विद इन 3 मंथ्स में आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की और यहाँ पे क्लास फोर्थ पोस्ट की, तो क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे तो लगभग 400 से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन बेस्ड पोस्ट हैं। और यहाँ पे क्लास फोर्थ पोस्ट की बात करेंगे तो लगभग 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज ऑलरेडी कन्फर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये पोस्ट कब तक रिक्रूट किए जाएंगे, लेकिन पोस्ट कन्फर्म हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जीएडी की तरफ से ये पोस्ट रेफ़र किए जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नवंबर में इनको रेफ़र किया जाएगा, फिर दिसंबर में इनके लिए रिक्रूटमेंट आ सकती है। यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए भी रिक्रूटमेंट जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ये पोस्ट बहुत टाइम से वैकेंट है और बहुत टाइम से इनकी नीड है, तो ऑब्वियसली ये पोस्ट भी जल्दी ही निकाले जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे J&K में अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अब नवंबर सेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे सरकार भी बन गई है, तो इन पोस्ट को जल्दी ही रिक्रूट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 10+2 लेक्चरर पोस्ट की, तो इसके रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑलरेडी कन्फर्म कर दिया था ट्वीट के ज़रिए कि इनके लिए जल्दी ही रिक्रूटमेंट लाई जाएगी, तो उनकी तरफ से नेक्स्ट मंथ कहा गया था, मतलब नवंबर में इसके लिए रिक्रूटमेंट कन्फर्म आने वाली है। और इसमें आपके लगभग 502 पोस्ट रहेंगे, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है बीएड कन्फर्म रखा जाएगा, बीएड कंपलसरी होगा इन पोस्ट के लिए। अब देखा जाएगा कि क्या एजुकेशन पॉलिसी रखी जाएगी, लेकिन बीएड कहा जा रहा है कि कंपलसरी होगा। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट मैंने आपको बताया, उनके लिए रिक्रूटमेंट जल्दी आ जाएगी। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और यहाँ पर आप सब लोगों के लिए मैं अपडेट दे देता हूँ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पोस्ट है इसके लिए एक लेटर लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेंज कर दी जाए, जिन भी कैंडिडेट्स के पास बॉटनी जुअलॉजी सब्जेक्ट होगा वो एलिजिबल कर दिए जाए उसके लिए, वो देखा जाएगा। उसके लिए लेटर लिख दी गई है। तो फॉरेस्ट पोस्ट के लिए मैं बता देता हूँ, अगर एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो जाती है तो वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।